टेस्टी टेस्टी कोफ्ता करी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते, तो कि बेहद टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने लौकी को इस प्रकार कद्दूकस कर लिया है और ये ले लिया है बेसन। हम ले लेंगे और ये टमाटर, लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च, और ये थोड़ा अदरक, ये साबुत जीरा ले लेंगे, और ले लेंगे थोड़ा सा पानी, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये घिसी हुई लौकी को थोड़ा निचोड़ लेंगे। लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब ले लेंगे ये बेसन, जितना भी हमें लगेगा। ये हमने एक कटोरी लिया है यहाँ पर। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक लेंगे, और अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। कोफ्तों का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। इस टाइप से हो जाना चाहिए ताकि कोफ्ते हम इस प्रकार से बनाएं, इस ऐसे चपटे करके बनाएं। तो चपटे करके बनाने से क्या होगा, इसमें हमें ऑयल बहुत कम खर्च होगा। गैस को हमने ऑन कर लिया है फ्रेंड्स, और अब ले लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा लेंगे, और इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें फ्रेंड्स। जो जो कोफ्ते नीचे से ब्राउन हो गए हैं उन्हें हम पलट देंगे, उससे पहले ना पलटें। और जो कोफ्ते ब्राउन हो चुके हैं, सिक गए हैं ठीक से दोनों तरफ से, उन्हें हम निकाल लेते हैं इस प्रकार साइड करके, तेल निचोड़ के। और ये थोड़ा सा बैटर बचा के रखा है, और इसमें से जो ऑयल है हम निकाल लेंगे। जितना हमें लगेगा उतना ही हम उतने में हम मसाला भुनेंगे। और अब ले लेंगे ये एक तेज पत्ता, जीरा, और मसाले के साथ साथ ये डाल देंगे, ये जो हमने बचा के रखा है बैटर। करके मसाले सारे ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जाएगा ये धनिया पाउडर, और ये जाएगी थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा अभी नमक डालेंगे प्याज को सॉफ्ट होने के लिए। फुल फ्लेम पे रखा है, मसाला अच्छा भुनता है उससे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है फ्रेंड्स, और तेल भी ऊपर आ गया है देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये एक गिलास पानी। बैटर बचा के रखा था, जो डाला है उससे ग्रेवी में बहुत अच्छा गाढ़ापन आएगा। और आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि जो पकौड़ियाँ हैं ना कोफ्ते, वो पानी सोख कर लेती। ग्रेवी अच्छी तरह से खोल चुकी है फ्रेंड्स, ये कोफ्ते ऐड कर देंगे, और कम से कम 10 मिनट इसे पकाएंगे, और इसको चला देंगे। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स पकते पकते, और अब डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, अच्छा सारा हरा धनिया डालेंगे, खूब सारा।
और इसको चला देंगे। बस धनिया डालने के बाद एक उबाल आने दें, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बन गई है फ्रेंड्स। ये हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं, बन करके तैयार हुए हैं। देखिए टेस्टी टेस्टी कोफ्ता करी तैयार है फ्रेंड्स। टेस्टी टेस्टी कोफ्ता करी तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।